What's up guys? This is me Sachin Singh Chauhan and guys, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे कंप्लीट बैक वर्कआउट के ऊपर के हम हमारे बैक को सेपरेट ट्रेन करते हैं बिना किसी मसल्स को इन्वॉल्व किए। इन्वॉल्व से मेरा मतलब है कि हम केवल बैक को ट्रेन करेंगे, उसके साथ में बाइसेप या और जो भी दूसरा मसल होता है जिसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं हम उसको ट्रेन नहीं करेंगे। जैसे कि आज हमारा सपोज ट्यूजडे है और हम केवल बैक को ट्रेन करने वाले हैं, उसमें ना हम एब्स लगा रहे हैं ना हम बाइसेप ऐड कर रहे हैं, जिसको हम सेपरेट वर्कआउट बोलते हैं। सो गाइस, आज का वर्कआउट हमारा उसी टॉपिक पे है कि जब हम हमारे बैक को ट्रेन करेंगे सेपरेट तो हम किन किन एक्सरसाइज को उसमें इंक्लूड करेंगे, उनको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसके कितने सेट्स लगाएंगे और उनके एवरेज क्या रखेंगे। बैक वाले वर्कआउट में हम सबके तीन तीन सेट लगाएंगे, रेप रेंज हम रखेंगे 12 to 15, आप 10 to 15 भी रख सकते हो, और मॉडरेट वेट से सही फॉर्म और सही टेक्निक में आपको इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। और एक और चीज कि जब हम बैक का वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती है, हम वर्कआउट वाले टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो बैक वर्कआउट में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाके चेक करें। तो हम हमारे बैक वाले वर्कआउट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब हम हमारे बैक को ट्रेन करते हैं तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वार्म अप कर लेना चाहिए। जब हम हमारे बैक को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें हमको पहले एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपके अगर लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हो तो लोअर बैक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो होती है गुड मॉर्निंग, डेडलिफ्ट और बैक एक्सटेंशन। तो अगर आप आपके लोअर बैक पे फोकस कर रहे हो आपके बैक को स्टार्ट करते टाइम, तो आप ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है एग्जाम्पल के लिए कि डेडलिफ्ट हो गई आपकी, आपका बैक एक्सटेंशन हो गया या गुड मॉर्निंग हो गया, इस तरह के आप एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हो मैं मेरे लोअर बैक को बाद में ट्रेन करूंगा और पहले मैं मेरा जो लेग्स होता है अपर बैक और मिडिल बैक उसको मैं टारगेट करूंगा, तो आप क्या करोगे, लेग पुल डाउन से स्टार्ट कर सकते हो या आप पुल अप चिन अप से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे बेंट और बारबेल रो से स्टार्ट कर सकते हो, या किसी भी आइसोलेशन मूवमेंट से भी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि आपको आपके बैक को ट्रेन करना है तो आप किस तरह से ट्रेन करोगे। और हमारे बैक वाले वर्कआउट रूटीन में एक और चीज देखने को मिलती है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारा बैक का वर्कआउट होता है या हम हर हफ्ते जब ट्रेन करते हैं, हफ्ते में दो बार ट्रेन करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे हमारा सपोज डेडलिफ्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, तो हम डेडलिफ्ट को क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम हर हफ्ते उसको क्या करें, पीआर करें, उसका पीआर चेक करें या हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको हम ब्रेक करें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करना है या आपको आपका जो पीआर है या आपका आप कितना वेट उठा सकते हो ये आपको चेक करना है, वन रेप मैक्स पे जाना है, तो आप कम से कम एक महीने में इन सब चीजों को चेक करें, या बेटर होगा अगर आप दो महीने में आपके पीआर चेक कर रहे हो या प्रीवियस रिकॉर्ड जो आपका है उसको ब्रेक कर रहे हो। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि आपको हर हफ्ते प्रीवियस रिकॉर्ड पे नहीं जाना है, ना ही आपको आपका पीआर चेक करना है कि आप कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हो, तो इस तरह की गलती ना करें। और एक और चीज, जब भी आपको आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करना है या आपको आपका पीआर या मैक्सिमम आप कितना वेट उठा सकते हो, ये हम मोस्टली डेडलिफ्ट में ही देखने को मिलती है हमारे बैक वाले रूटीन में, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे रिपीटेशंस लगाने लगते हैं। जब हमको पीआर चेक करना होता है तो पीआर चेक करना है, पीआर ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप दो तीन रिपीटेशंस लगाएं देन वेट बढ़ाएं, फिर दो तीन रिपीटेशंस लगाएं वेट बढ़ाएं, फिर दो तीन रिपीटेशन लगाएं फिर वेट बढ़ाएं। आपको अपने आप को थकाना नहीं है बहुत सारे रिपीटेशंस करके। अगर आपको आपका प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करना है या आपको क्या करना है कि आपका मैक्सिमम जो आप पीआर लगा सकते हो वो चेक करना है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करके सेट्स में वेट बढ़ाओगे और रिपीटेशंस आप एक दो या तीन से ज्यादा नहीं लगाओगे। क्योंकि अगर हम बहुत सारे रिपीटेशंस लगाते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी से एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी थक जाती है, तो हम चाहते हुए भी वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप पीआर चेक करें अपना या पीआर को ब्रेक करने की कोशिश करें तो आप ध्यान रखें कि आपको एक दो रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं लगाना है, आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाते हुए और धीरे धीरे सेट्स बढ़ाते हुए आपके पीआर पे जाना है। सो गाइस, ये कुछ चीज़ें थी जो
जो आप आपके बैक वर्कआउट में कर रहे थे, तो इन चीजों पे ध्यान दें। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो कंप्लीट बैक वर्कआउट है, जब हम हमारे बैक को सेपरेट ट्रेन कर रहे हैं तो हम किन किन एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज मैं आपको जो पहली एक्सरसाइज बताने वाला हूं या परफॉर्म करने वाला हूं वो करेंगे हम डेडलिफ्ट, और मैं आपको जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूं सबका एक एक सेट और कुछ रिपीटेशंस लगा के बताऊंगा कि आपको किस तरह से ट्रेन करना है और आपके फॉर्म टेक्निक क्या होंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारे बैक में, कि बैक में हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो है हमारी डेडलिफ्ट, उसको किस तरह से हमको परफॉर्म करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये आपकी पहली एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। आप पैरों को बारबेल के नीचे रखेंगे, मिड फुट पे ये बार होना चाहिए और पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रखोगे आप हिप फीट, हिप जितने आपके चौड़े होते हैं या हिप में जितनी चौड़ाई होती है उतना ही डिस्टेंस आप पैरों के बीच का रखोगे। और इसके बाद में जो हमारी पोजीशन होती है वो ये होती है कि हमको नी को स्ट्रेट नहीं करना है, हल्के से सॉफ्ट रहेंगे, लोअर बैक में आर्च बना के रखना है आपको और आप नॉर्मल पोजीशन में नीचे जाओगे। और हाथों के बीच का डिस्टेंस जब हम इसको ग्रिप करेंगे तो कितना रखेंगे वो होगा हमारे शोल्डर ग्रिप, और इसमें जो ग्रिप होती है वो आप डेड ग्रिप रख सकते हो या फिर आप स्ट्रेप्स का यूज कर रहे हो तो आप नॉर्मल ग्रिप भी रख सकते हो। तो मैं भी आपको नॉर्मल लगा के बता रहा हूँ कैसे लगाना है नॉर्मल ग्रिप के साथ में। ये मैंने बेकार्च किया, लोअर बैक में आर्च बनाया, हिप पीछे ले जा रहा हूं, नी हल्का सा बेंड कर रहा हूं, ये मैंने ग्रिप किया। अब यहां से क्या करूंगा, बैक में आर्च रखूंगा और सीधा ऊपर उठाऊंगा, और जब ऊपर उठाएंगे तो मुझसे सांस छोड़ना है, ब्रीद आउट करना है, और जब नीचे जाएंगे तो नाक से सांस लेना है, ब्रीद इन करेंगे। और एक चीज, जब आप इसको ऊपर लिफ्ट करोगे तो आपकी एल्बोज स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो भी मूवमेंट होगा वो आपके नी में होगा, आपके हिप में होगा, आपके लोअर बैक में होगा। कंट्रोल रखेंगे मूवमेंट में पूरा, देन अप, इस तरह से आपको डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। सो गाइस ये थी आपकी डेडलिफ्ट। अब इसमें जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है वो है आपकी बेंट ओवर बारबेल रो। सो गाइस ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज कि हम बेंट ओवर बारबेल रो किस तरह से लगाएंगे, इसका फॉर्म क्या होगा। तो सेम वही, जितना डिस्टेंस आपके हिप के में होता है उतना ही डिस्टेंस आपको पैरों के बीच में रखना है, बैक आर्च वाली पोजीशन में बारबेल को उठाना है, हाथों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा शोल्डर में, जितनी चौड़ाई आपके शोल्डर में होती है या जितने चौड़े आपके शोल्डर्स होते हैं उतना ही डिस्टेंस आप हाथों के बीच का रखोगे जब आप बारबेल को ग्रिप करोगे। और आपको इसमें नीचे कहां तक आना है बता देता हूं मैं, ये मैंने डिस्टेंस रखा। और गाइस इसमें दो चीजें होती है, एक प्रोन ग्रिप होती है, एक सुपाइन ग्रिप होती है। तो आप या तो इस तरह से या इस तरह से, जो ग्रिप आपको सुटेबल हो वो ग्रिप आप रख सकते हो। तो मैंने ग्रिप किया, ये बैक आर्च किया, ऊपर उठाया बार। अब मैं इसके नीचे कहां तक आऊंगा कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अपर बॉडी है वो फ्लोर से, जब हमारी बॉडी पैरेलल होती है उससे थोड़ा सा ऊपर हमको रखना है, ये हो गई। अब ये बार है हम कहां रखेंगे, नी के जस्ट पास में, और इसको हम हमारे एब्स पे या लोअर एब्स पे लाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, और जो ऊपर लाएंगे तो हमको हमारे बैक को या बैक जो मसल है उसको हमको स्क्वीज करना है, देन फ्लोर से रिलीज करेंगे। जब ऊपर उठाएंगे ब्रीद आउट, इस तरह से आपको बेंट और बारबेल रो को परफॉर्म करना है। सो गाइस इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी लेग पुल डाउन। ये आपकी दो एक्सरसाइज हो गई, पहली आपकी डेडलिफ्ट, दूसरी आपकी बेंट और बारबेल रो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारी लेग पुल डाउन, तो उसको परफॉर्म करते हैं, उसको किस तरह से लगाना है। सो गाइस ये है लेग पुल डाउन, ये हमारी थर्ड नंबर वाली एक्सरसाइज है, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। ये पैड है जो आपको ऊपर आने से रोकते हैं, जब भी आप लेग पुल डाउन लगाए तो इनमें यूज करें, इनमें पैरों को अच्छी तरह से फिक्स कर लें ताकि आपकी बॉडी जब आप इसको ऊपर रिलीज करो तो ऊपर ना उठे, या फिर आप इसको नीचे भी ला रहे हो तो आपके जो घुटने इसमें ऐड रहेंगे तो आपकी बॉडी ऊपर की साइड लिफ्ट भी होगी। वो लेग पुल डाउन लगाने टाइम जो ये बार है इसका डिस्टेंस हम कितना रखेंगे वो
वायरल लेफ्ट शोल्डर, ये मैंने बॉडी को टाइट किया, मेरा जो बैक मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब मैं इसको सीधा अपन जो चेस्ट होता है उस पर लेके आऊंगा। जब आप इसको नीचे लाओगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है। ये जब मैं इसको पुल करूंगा तो मसल को स्क्वीज करूंगा, देन स्लो रिलीज। और जब आप इसको लगाओ तो आपको लगने टाइम ऐसा बहुत ज्यादा जल्द नहीं लेना है, इस तरह से आप नॉर्मल बॉडी को स्टोर करोगे, टाइट बैक में आर्म बनाओगे, चेस्ट अप करोगे और नीचे लाओगे तो मसल को स्क्वीज करोगे एंड स्लो रिलीज। इस तरह से आपको उसको परफॉर्म करना है। अब इसके बाद में जो हमारी फोर्थ नंबर वाली एक्सरसाइज है वो भी हम इसी पे करेंगे, लेट पुल डाउन मशीन पे, वो है हमारे क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। उसको इस तरह से लगाएंगे, इसमें दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस हम रखेंगे, शोल्डर भी जितनी चौड़ाई हमारे शोल्डर में होती है उतना ही चौड़ा हम हाथ रखेंगे और बार को ब्रीथ करेंगे। देन उसके बाद में सेम वही पोजिशन जो हमने लेट पुल डाउन में रखी थी और इसको सीधा नीचे लेके आएंगे, वही आपके अपर चेस्ट पे एंड स्लो रिलीज। इसको भी जब आप नीचे लाओगे तो मसल को स्क्वीज करोगे एंड स्लो रिलीज करना है, और जब आप इसको नीचे पुल करोगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है। इस तरह से आप क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन को परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, यहां पे आपकी चारों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पहली थी आपकी डेडलिफ्ट, दूसरी थी आपकी बेंड और बारबेल रो, थर्ड जो थी वो थी आपकी वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन, और फोर्थ नंबर की जो अभी मैंने लगा के बताई है वो है आपकी क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? सो गाइस, फाइव नंबर की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हमारी केबल रो। उसको हम केबल से लगाएंगे। उसको किस तरह से लगाना है देख लीजिए। ये मैंने इसको बार को ग्रिप किया और बॉडी हम 90 डिग्री से हल्का सा पीछे रखेंगे, बैक में आर्च बना के रखेंगे, चेस्ट अप। और अब यहां से इसको क्या करना है, हम एब्स की साइड इसको खींचेंगे, देन स्लो रिलीज करेंगे। जब हम इसको पुल करेंगे तो हमको हमारा जो बैक मसल है उसको स्क्वीज करना है, देन स्लो रिलीज करेंगे, और जब हम इसको पुल करेंगे तो हमको ब्रीथ आउट करना है। इस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर आपकी पांच एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी छठी एक्सरसाइज की तरफ। क्या हमारी छठी एक्सरसाइज या सिक्स एक्सरसाइज कौन सी है? सो गाइस, ये है हमारी सिक्स नंबर की एक्सरसाइज जो है हमारी वन आर्म डंबल रो। ये एक्सरसाइज भी आपके जो लेग्स होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप आपके बैक वाले वर्कआउट में जरूर ऐड करें। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। ये मैंने एक नी रखा है ऊपर बेंच के, एक नी यहां है जस्ट इसके सामने से हल्का सा अंदर की साइड। ये मैंने हाथ टिकाया, एल्बो हल्का सा बेंड किया, बॉडी को आगे झुकाया, बैक आर्च किया, इस तरह से बैक में आर्च बना रहेगा। आपको ऐसी कमर गोल नहीं करनी है, आर्च बना के रखना है। ये डंबल लिफ्ट किया, अब यहां से आपको क्या करना है, डंबल को सीधा ऊपर उठाना है एंड स्लो रिलीज। और जब ये ऊपर आएगा मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट स्लो रिलीज। जब ऊपर उठाएंगे ब्रीथ आउट, इस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे। आपको इस एक्सरसाइज के दोनों साइड तीन तीन सेट लगाने हैं और सही फॉर्म और सही टेक्निक में आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो गाइस, इसके बाद में हम हमारी कॉलर के लिए एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रक्स। उसको आप डंबल से लगा सकते हो या फिर आप बारबेल से भी लगा सकते हो, जैसा आपको सुटेबल हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्स हमको किस तरह से परफॉर्म करना है। डंबल से हम स्ट्रक्स लगा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से इसको लगाना है। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो नी हल्के से सॉफ्ट रखना है, हिप पीछे रखेंगे, बैक आर्च, चेस्ट अप और गर्दन नीचे रखना है। और आप यहां से एल्बो में कोई भी मूवमेंट ना करते हुए आपके जो शोल्डर्स हैं उनको ऊपर कान तक लाने की कोशिश करेंगे, देन उसको स्लो रिलीज करना है। जब आप इसको
इसको ऊपर उठाओगे तो आपको ब्रीद आउट करना है, और जैसे ही आप इसको पुल करोगे ऊपर खींचोगे आपको मसल को स्क्वीज करना है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी रियल डेड फ्लाई, उसको हम मशीन से भी लगा सकते हैं, और हमारे पास अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम डंबल से करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास मशीन अवेलेबल है तो हम उसको मशीन से परफॉर्म करेंगे ना कि डंबल से। पहले मैं आपको डंबल से लगा के बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो हम डंबल से उसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और अगर मशीन है तो फिर मशीन से भी बता देता हूँ तो मशीन से किस तरह लगाएंगे। पहले हम लगा रहे हैं डंबल से कि डंबल से रियल डेड को किस तरह से ट्रेन करते हैं, तो इसको किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे हमारे रियल डेड फ्लाई को। नी आप अंदर से बैठ रखोगे, हिप पीछे, चेस्ट अप, और बैक में आर्च बना के रखना है आपको। उसके बाद में आप ग्रिप या तो इस साइड इस तरह से रख सकते हो या आप इस तरह से रख सकते हो, और एल्बो हल्का सा बैंड रखेंगे। उसके बाद में डंबल बॉम को वहां तक ऊपर उठाना है कि हमारी जो एल्बो है वो हमारे शोल्डर की लाइन में आ जाए, देन वहां से फिर स्लो इसको रिलीज करेंगे इस तरह से। ऊपर उठाओगे या ऊपर पुल करोगे तो मसल को स्क्वीज करना है, और जिस टाइम हम ऊपर डंबल को उठाएंगे हमको ब्रीद आउट भी करना है। इस तरह से आप इसको परफॉर्म करेंगे। सो गाइस, ये है हमारी रियल डेड फ्लाई मशीन, इससे हम हमारे रियल डेड को ट्रेन करेंगे, और अगर हमारे पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया हम डंबल से हमारे रियल डेड को ट्रेन करेंगे। और गाइस, ये जो हमारा रियल डेड है ये हमारे शोल्डर्स में आता है। हमारे शोल्डर में तीन मसल होते हैं, फ्रंट डेल्टॉइड, मिडिल डेल्टॉइड एंड पोस्टर डेल्टॉइड या रियल डेल्टॉइड। तो अगर हम चाहें तो इसको हम हमारे शोल्डर वाले वर्कआउट में भी ट्रेन कर सकते हैं, और अगर हम शोल्डर में ऐड नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे बैक में भी इसको ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं इसको लगा के बता रहा हूँ कि मशीन पे हमको रियल डेड जो हमारे होते हैं उनको किस तरह से ट्रेन करना है। आपको क्या करना है, ये जो पैड होता है जिससे आप सपोर्ट लेते हो इस पर आपके चेस्ट को टिका देना है, बैक में आर्च बनाएंगे, हिप हल्का सा पीछे रखेंगे, अब एल्बो हल्का सा आप बेंड करोगे, और इसको भी आप कहां तक पीछे लेके आओगे कि आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर की लाइन में आ जाए इस तरह से। जब आप इसको ऐसे पुल करोगे तो आपको क्या करना है कि आपके मसल को स्क्वीज करना है, एंड आप ब्रीद आउट करेंगे एंड स्लो रिलीज। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सो गाइस, ये थी आपकी रियल डेड मशीन, इस पे हम हमारे रियल डेड को किस तरह से ट्रेन करेंगे। सो गाइस, यहाँ आपका जो बैक वर्कआउट था जो आप सेपरेट बैक को ट्रेन करते हो जिस तरह से, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें आप एक चीज और याद रखें कि अगर आपको डेडलिफ्ट नहीं लगाना है किसी दिन तो आप बैक एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, और डेडलिफ्ट अगर आपको लगाना है तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको आपको लोअर बैक से स्टार्ट करना है तो डेडलिफ्ट आप पहले लगाएंगे, और अगर आपको आपको लोअर बैक को बाद में ट्रेन करना है सारी एक्सरसाइज के बाद में, तो आप डेडलिफ्ट को लास्ट में लगा सकते हो। और पुल अप और चिन अप आपको जैसा भी सुटेबल हो, आप चाहो तो वार्म अप करने के बाद में पहले पुल अप और चिन अप के दो दो सेट लगा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं पुल अप चिन अप बाद में लगाऊंगा तो देन आपका पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप पुल अप और चिन अप के दो दो सेट लगा सकते हो। सो गाइस, ये था आपका बैक का पूरा कंप्लीट वर्कआउट कि बैक को आपको किस तरह से ट्रेन करना है। मैंने इसमें आपको सारी चीजें कवर कर दी है, सारी एक्सरसाइज कवर कर दी है जो मेन थी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।